अगर हेमंत सोरेन आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, अगर चक्की पीस रहे हैं, तो अपने कुकर्मों के वजह से। उनको किनने कहा इतना? अभी तो जो सिर्फ जमीन का मामला आया है, तो जमीन के मामले में ईडी ने इन्हें पकड़ा है। अभी शराब का मामला आएगा, फिर बालू का मामला आएगा, फिर खनिज का मामला आएगा, फिर कोयला चोरी का, कोयला घोटाला का मामला आएगा, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग जो उद्योग बना उसका मामला आएगा, फिर जो अकूत संपत्ति अर्जित किया उसका मामला आएगा, फिर 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसका मामला आएगा। तो ये जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके उन्हें जेल भिजवाया है, ये सरासर गलत है। आज हेमंत सोरेन जो भी जहां भी पहुंचे हैं वो अपने कुकर्मों के वजह से और अपने गलत सलाहकारों के वजह से। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर झारखंड की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? जय मेवा कहना है कि 24 में हम और मजबूती के साथ आएंगे। देखिए उनकी गिरफ्तारी जो है झारखंड की जनता देख रही, आह लगेगी आप लोगों को। देखिए मेरा साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में 2/3 बहुमत के साथ आएगी। झारखंड की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार से पूरे 4 साल में झारखंड को लूट खंड में हेमंत सोरेन ने और उनके गुर्गों ने, उनके कैबिनेट ने बर्बाद करके रख दिया, झारखंड को बेचारा बना दिया, तबाह करके रख दिया।